रातों रात किस्मत कैसे बदलती है, इसका रानू मंडल से अच्छा उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है। एक वक्त बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर गाना गाने वाली एक ओल्ड लेडी को कैसे सोशल मीडिया ने स्टार बना दिया, ये बात सच में गौर करने वाली है। आपको बता दें कि एक शख्स द्वारा रानू मंडल का गाना गाते हुए वीडियो बनाया गया था, जिसमें इन्होंने मशहूर गायिका लता मंगेशकर जैसी आवाज में गाना गाया था। और रानू मंडल का ये वीडियो इस कदर वायरल हुआ कि बॉलीवुड से भी इन्हें गानों के ऑफर्स आने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जितना लिखा होता है इंसान को उतना ही मिलता है, और ऐसा ही कुछ हुआ रानू मंडल के साथ, जिन्हें कामयाबी तो बहुत तेजी से मिली पर उतनी ही तेजी से इनकी कामयाबी ने इनका साथ भी छोड़ दिया। रानू मंडल को एक वक्त जहां एक से बढ़कर एक ऑफर्स मिलने लगे थे, वहीं देखते ही देखते इनसे सभी ऑफर्स दूर भी हो गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह रही इनका नेचर और बदला हुआ बर्ताव जो इन्होंने लोगों के संग किया। रानू द्वारा अचानक से मिली दौलत और शोहरत संभाली नहीं गई और वक्त के साथ ये गुमनाम भी होती गई। और हाल फिलहाल की बात करें तो इनके हालात काफी हद तक पहले जैसे ही हो चुके हैं। अब रानू मंडल की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है और न ही इन्हें कहीं पर काम मिल रहा है। जहां एक वक्त ऐसा था कि रानू मंडल के साथ हिमेश रेशमिया भी काफी बार नजर आ जाते थे, तो वहीं इस बार हिमेश भी इनसे अपना कॉन्टेक्ट खत्म कर चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इनकी सबसे अधिक आलोचना एक वीडियो के चलते हुई थी, जिसमें इनके एक फैन इनके साथ सेल्फी लेना चाहते थे, पर रानू ने उन्हें मना कर दिया और साथ ही कुछ अपशब्द भी कह दिए थे, जिसके चलते लोगों के बीच इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी खो दी। दोस्तों कहते हैं ना कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी फर्श से अर्श पर बिठा सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था रानू मंडल के साथ। साल 2019 में जब रानू मंडल रानाघाट स्टेशन पर बैठी लता मंगेशकर का एक प्यार का नगमा है गाना गा रही थी, ऐसे में स्टेशन के एक मुसाफिर को इनका गाना काफी ज्यादा पसंद आ गया। अतीन्द्र चक्रवर्ती नाम के उस मुसाफिर ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। रानू मंडल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैलने लगा और फिर धीरे धीरे ये एक वायरल वीडियो बन गया, जिसके बाद सभी की जुबा पर इनकी आवाज के चर्चे होने लगे। इसी दौरान बॉलीवुड के फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया का भी इन्हें साथ मिला, जिन्होंने इनका काफी सहयोग किया। हिमेश ने रानू मंडल के कुल 3 गाने रिकॉर्ड करवाए, जिनसे इन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली। वहीं दूसरी तरफ हिमेश रेशमिया को भी रानू मंडल के सहयोग पर आलोचनाएं और तारीफें दोनों ही मिली, पर सभी को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने अपना काम जारी रखा। लेकिन अंत में रानू मंडल ने खुद ही अपनी बदली किस्मत को दोबारा पुराने हालातों में पलट लिया, और आज एक बार फिर वो अपने पुराने घर में ही पहले की तरह रह रही हैं। तो दोस्तों देखा आपने, रानू मंडल से दौलत और शोहरत संभाली नहीं गई और वो एक बार फिर गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। दोस्तों आप रानू मंडल के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।